हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके अंदर जो सेकंड पेपर है, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की, दैट केस फर्स्ट पेपर इज जीएस पेपर वन एंड द सेकंड वन इज जीएस पेपर टू, दैट इज़ सी सेट। तो अगर हम सी सेट के एग्ज़ाम की यहाँ पर बात करते हैं, इन दैट केस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा है, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी रहता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जब एग्ज़ाम पास में आएगा उस टाइम पे प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना। तो अभी सभी स्टूडेंट्स को माइंड में रखते हुए अभिमन्यु आईएएस आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कम्प्लीट है, जिन्होंने सिलेबस एक बार कम्प्लीट कर रखा है, उनकी रिविज़न हो जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी कवर कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फास्ट ट्रैक पे सी सेट का सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि सी सेट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग और हमें जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए। ओके, पासिंग मार्क्स नहीं, मैं आपको ज़्यादा की बात करती हूँ कि हम ये कहते हैं कि हाँ जी एटलीस्ट आपको 80 to 100 मार्क्स आप गेन कर सको। तो उस पार्ट को माइंड में रखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्रीवियस 10 ईयर्स के एनालिसिस के बाद में एक क्रैश कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें उन उन टॉपिक्स को कवर किया गया है जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनमें से मैक्सिमम पोर्शन कवर किया गया है, सो दैट कि आप इजीली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सको, जिसके अंदर आपको ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना, ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना, और आप सिर्फ उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर नहीं है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चले जाएंगे, डन। तो अब देखो यहाँ पे हमारा ये सी सेट का पोर्टल है, जिस पे हम आपको टोटल फ्रीडम देते हैं कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह का कंटेंट लो। अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, फुल सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज है, माइक्रोवर्सेज है, बट आज की इस वीडियो में जैसे हम क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स के लिए आपको जाना है बेटा वीडियो कोर्सेज के अंदर आप जाओगे, ठीक है। जब आप यहाँ से वीडियो कोर्सेज के अंदर जाते हो तो वहाँ पे देखो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो कोर्सेज दिखाई देंगे। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यस दिस इज कंप्लीट कोर्स, ठीक है, सी सेट क्रैश कोर्स। यहाँ पे दूसरा है आपके पास में जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो कोर्स है, ठीक है, मेंटोरशिप लेक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इश्यू आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज हेयर, लॉजिकल रीजनिंग इज हेयर, इंग्लिश एप्टीट्यूड इज हेयर, सेम वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल आल्सो। ओके, सो द थिंग इज कि यस क्रैश कोर्स में फिर ऐसा क्या दे रहे हैं जब कंप्लीट कोर्स है। तो कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्यूरी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स से जैसे बात होती है कि मैम क्रैश कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स। तो क्रैश कोर्स उनके लिए है जिनको थोड़ी सी नॉलेज है और वो कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा ये और प्रिपेयर कर लेते हैं, सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक तरह से बिल्कुल उनका बैकग्राउंड नहीं है और वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक बार सारा कर लेते हैं, एटलीस्ट जहाँ से कुछ तो मिलेगा तो हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो हमारे पास दोनों अवेलेबिलिटी हैं, वी ऑल्सो हैव कंप्लीट कोर्स, वी ऑल्सो हैव क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स को जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करें तो इसमें आपको 69 लेक्चर्स मिल रहे हैं, यस 69 लेक्चर्स आर हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे थ्योरी वीडियोस हैं, प्रैक्टिस वीडियोस अवेलेबल हैं, 17 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, और इसके अलावा माइक्रो टेस्ट है। अब यहाँ पे भी हमने इसको काफ़ी लॉजिकल तरीके से प्रिपेयर किया है, सो दैट कि जो टॉपिक एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे नंबर सिस्टम 10 to 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना, सेम विद सिलोजियम 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 क्वेश्चन पक्के हैं। तो अब इस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया है कि वो जो टॉपिक्स एटलीस्ट जिनमें से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जाएं। जैसे नंबर सिस्टम के पूरे 10 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर सिस्टम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 लेक्चर्स हैं दे आर
कंप्लीटली कवरिंग द सिलेबस ऑफ नंबर सिस्टम, मीन्स कि नंबर सिस्टम की जो जो टाइप्स एग्जाम में बनती है, जो जो भी आपके आप ही कई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे इन 6 लेक्चर्स के अंदर हमने पूरे के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया. और हर एक लेक्चर क्या है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो 72 मिनट्स का है, दिस इज 97 मिनट्स, 81 मिनट्स, मींस कि 1 से 1.5 घंटे तक के लेक्चर्स हैं सारे के सारे. ओके, हर एक लेक्चर के साथ में वेब नोट अटैच है, हर एक लेक्चर के साथ में ऑनलाइन टेस्ट है. ओके, तो सभी लेक्चर्स के साथ में टेस्ट है. उसके बाद में जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम पे, जो भी 10 ईयर्स के अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए हुए, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए. नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर, नंबर सिस्टम 2 प्रीवियस ईयर, नंबर सिस्टम 3 प्रीवियस ईयर. अब यहाँ पे 21 के अंदर सिर्फ 21 में ही इतने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, तो सारे के सारे जैसे यहाँ पे हो गए 22, सभी के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल. सेम वे यहाँ पे जब हम LCM LCF की बात करते हैं, यस, वन लेक्चर इज कंसेप्ट बेस्ड, 88 मिनट्स लेक्चर इज दिस, 2 वेब नोट्स आर अटैच्ड, PDF आर अटैच्ड, 1 ऑनलाइन टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल. सेम वे देन प्रीवियस ईयर पेपर. तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रिपेयर किया गया, सो दैट कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके सारे के सारे प्रिपेयर हो जाए, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, सब्जेक्ट वाइज अगर आपने चेक करना है, सब्जेक्ट वाइज है पास्ट वीडियोज, मीन्स कि जो रिसेंट वीडियोज है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो. ओके, ये आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जी कंप्लीट कोर्स लें हम, काफ़ी कॉस्टली पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सभी के लिए काफ़ी हर एक पॉइंट को माइंड में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है. जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोगों के कंबाइंड, सभी के पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, अब कुछ स्टूडेंट्स जैसे माइक्रोवर्सेस से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे वही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने एक जगह कंबाइन कर दिए कि आपको फाइंड आउट ना करना पड़े कि पहले ये टॉपिक करें ये टॉपिक करें, है ना, सारे के सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने एक जगह पे यहाँ पे कंबाइन कर दिए आप लोगों के लिए. सो आई विल से दिस इज द बेस्ट कोर्स, कि हाँ अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, इन दैट केस आप इस क्रैश कोर्स को अगर प्रॉपर वे से करते हो, तो इन दैट केस आप इसको इजिली सॉल्व कर लो, इजीली आपका सी सेट का पेपर आप क्रैक कर लोगे. और इसके साथ में प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज भी साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. यस, टेस्ट सीरीज इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस कोर्स. ओके, अगर आपकी कोई भी क्यूरी आती है, अगर आपकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, इन दैट केस दिस नंबर इज आल्सो अवेलेबल हेयर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, कोई भी आपकी क्यूरी है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी को कोर्स की अच्छे से नॉलेज हो गई है. अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको लगता है यस दिस इज हेल्पफुल फॉर अस, इन दैट केस शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच, मिलते हैं सुपर 5 सीरीज के अंदर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.